मैच कैसे दिन भर संतरागाछी इलाका, वहीं से पल पल का अपडेट मनुग्या आप तक पहुंचा रही थी। और इस समय मनुग्या जहां पर मौजूद हैं वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती, और क्या प्रदर्शनकारी अभी भी यहां पर नबन्ना मार्च को लेकर डटे हुए हैं मनुग्या? बिल्कुल, 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी है यहाँ से नबन्नों की, लेकिन यही सांतरागाछी पर अभी भी वही उसी तरह से तैनात है। जहाँ एक और पुलिस तैनात है तो वही संग संग प्रदर्शनकारी तैनात है, बैठ गए हैं, अब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पहले उनसे उन्होंने कहा कि वो अपना मार्च खत्म कर रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, उनको हटाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से मार्च खत्म करके बढ़ जाएंगे आगे। नेताओं ने भी यहाँ पर, जो छात्र नेता वगैरह इकट्ठा थे, उन्होंने भी यही कहा कि वो अब अपना मार्च छोड़ रहे हैं। हालांकि जैसे ही मार्च छोड़ने की बात होती है फिर से एक बार आके वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये तीसरी बार हुआ है जब 50-50 मीटर या 100-100 मीटर की दूरी पर आकर छात्र आकर बैठ जाते हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कुछ छात्रों से कि आखिरकार ये कब तक चलेगा, ये आपका आंदोलन कब तक चलेगा, पूछते हैं कुछ छात्रों से, और ये कितने बजे तक चलेगा ये आंदोलन? पुलिस ने तो बोला हट जाएंगे, बोल नहीं सकते, तो जितना टाइम हम लोग जिंदा है उतना टाइम से हम करेंगे ये आंदोलन, ठीक है? चाहे अपना जान भी क्यों ना चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आवाज उठेगा। तो बोला कि आज के लिए आंदोलन खत्म हो गया। पुलिस वो टीएमसी का कीना हुआ गुलाम है, वो जो बोल रहे हैं वो आगे हम उन लोगों को समझा, लेकिन हम नहीं समझेंगे। जो बहनों के साथ, दीदियों के साथ, हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है? ये सवाल उठ रहे कि ये सारे आप लोग बीजेपी के लोग यहाँ पर आके? नहीं, यहाँ पर बीजेपी कोई नहीं है, देश का झंडा देखिए, ये जनता का। There is no political party. We are the student. We are the teacher. We are doing the peaceful movement. But from the very beginning of the morning, they have done something wrong. But we are doing the peaceful movement. Peaceful movement कब तक चलेगा ये? We will continue until we got the justice. Justice तो CBI के हाथ में है ना? CBI जांच कर रही है। CBI they will do their work. People, we are the people of Bengal. We will do our work. We will do the peaceful justice. छात्रों का आंदोलन है, छात्र यहाँ पर अभी भी खड़े हैं, कह रहे हैं छात्रों का आंदोलन, और जिस छात्र कह रहे हैं कि वो हिलेंगे नहीं यहाँ से जब तक इंसाफ मिल नहीं जाता, हाथ में तिरंगा लेकर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन है नहीं, इसकी दुहाई देते हुए छात्र डटे हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं MG रोड वाला इलाका, जहां जबरदस्त आर पार प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच देखने के लिए मिला है। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी वरुण जैन, और इस समय वरुण MG रोड की क्या तस्वीर है जरा दिखाइए, और हालात यहाँ के बयां कीजिए। देखिए बिल्कुल, तस्वीरें जो पहले थी वही अब भी है। प्रदर्शन कैसे और कब खत्म होगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बीच सड़क पे लोग बैठ गए हैं, प्रदर्शनकारी हाथों में झंडा लिए हुए, उनका प्रोटेस्ट जारी है। ममता बनर्जी जब तक इस्तीफा नहीं देती तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरा थोड़ा पीछे से अगर दिखा दूँ तो बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पीछे भी जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लोगों से ही बात करते हैं। आप लोग कब तक करेंगे ये प्रोटेस्ट? जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग ऐसे ही रास्ते में बैठे रहेंगे और न्याय के डिमांड करेंगे। CBI ने गिरफ्तार कर तो लिया, और कौन सा न्याय चाहिए? गिरफ्तार हो गया, जस्टिस तो अभी तक नहीं मिला। गिरफ्तार होने से क्या होगा, हम लोगों को जस्टिस चाहिए, हम लोगों को अभी तक कुछ जस्टिस नहीं मिला, बस एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहा है, ऐसे ही होते जा रहा है, लेकिन जस्टिस के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों को अभी जस्टिस चाहिए, हम लोगों को फांसी चाहिए, सोनदीप घोष का फांसी चाहिए। दीदी तो कह रही है कि ये बीजेपी के लोग हैं जो बैठे हुए। ममता बनर्जी तो कुछ भी कहता है, ममता बनर्जी तो बोल रहा है जिसका धर्षण हुआ है उसका फांसी चाहिए। ममता बनर्जी उस दिन 2 दिन पहले क्या बोला, जिसका धर्षण हुआ है उसका फांसी चाहिए, 2 दिन पहले बोला ना न्यूज चैनल में, हम लोग देखा ना, तो ममता बनर्जी तो कुछ भी बोल रहा है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो? नहीं, मैं कहीं किसी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कोई दल से नहीं हूँ। आप किस इंसान है? आम इंसान है, हम लोगों का कोई रंग नहीं है, हम लोग आम इंसान है, हम लोगों का घर में बच्चा है, हम लोगों का घर में बेटी है, हम लोगों का घर में बच्चा है, हम हर एक लड़की के सुरक्षा मांगते हैं। क्या मांगते हैं आप कार्यकर्ता है बीजेपी के? मैं किसी का भी कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं उस बहन का भाई हूँ जिसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे घर में भी 2 बेटियाँ हैं, मुझे भी उसकी चिंता है, और इस बलात्कारी सरकार को हटाने के लिए जब तक वो अपना इस्तीफा नहीं दे देती हम लोग ये मोर्चा नहीं हटाएंगे यहाँ से। नहीं हटाएंगे तो कब तक बैठे रहेंगे? दिन रात जब नहीं मिलती तब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक इन सब नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। सुना आपने, दावा तो यही है कि कोई कार्यकर्ता नहीं है, और लगता भी ऐसा ही है, कार्यकर्ता होते तो लाखों की संख्या में कोई सड़कों पर नजर नहीं आता, रुमाना लाखों की संख्या में
जो लोग थे अलग अलग जगहों से अलग अलग इलाकों से निकले हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन शांतिपूर्वक है, पुलिस भी अब इंतजार कर रही है कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। पुलिस की तरफ से भी अब आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे, तो यही वजह है कि जो प्रदर्शनकारी है वो भी अभी बिल्कुल ना प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी जहां थे अब वहीं पर एक तरीके से धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस जो है वो भी इंतजार में है कि कब ये प्रदर्शनकारी वापस लौटेंगे। अब इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की पुलिस की तरफ से भी कोई कोशिश देखने के लिए नहीं मिल रही है। ABP News आपको रखे आगे।